इस क्लास में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं आर यू रेडी ओके सो लेट्स बिगिन व्हाट इज दैट पॉइंट टैग टैग्स और लेयर्स इसके पुराने वर्जन में उस जिस चीज को हम आज टैग कहते हैं पहले कहते थे लेयर्स ऑटो कैड में भी लेयर है स्केचअप में भी लेयर है थ्री डीज मैक्स में भी लेर है फोटोशॉप में भी लेयर है एज अ डिजाइन स्टूडेंट यूल हैव टू टैकल द लेयर्स इन एवरी सॉफ्टवेयर दैट इज वाय दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टूडे फॉर यू इन स्केचअप हाउ टू हैंडल लेयर्स और टैग्स इन स्केचअप उससे पहले मैं कुछ ज्योमेट्री बना लेता हूं ये कुछ ज्योमेट्रीज बना के एंड देन आई विल शो यू वॉट टू डू एंड हाउ टू डू इट ओके सो ये मैंने बना लिए अब मैंने इसको पुषपुल करना है लाइक दिसक दिस एंड देन आफ्टर यू कैन मेक लिट बिट ऑफ दीज ज्यूमेट्रीज सो सपोज दीज आर दर्नीचर सो इफ यू हैव सो मेनी एलिमेंट्स इन योर इंटीरियर स्पेस और आर्किटेक्चर फसाड then it becomes very difficult to handle them while doing the material lighting and rendering it. so in that case, this will help you. as i told you, if you are not managing your sketchup file with the help of tags or layer, then it will become very difficult for you to do work faster. इट विल स्टार्ट लैगिंग इट विल स्टार्ट हैंटेंट क्लास टू ऑब्जर्व अभी मैंने बना लिया उसके बाद मैं जाऊंगा विंडो पे विंडो में जाऊंगा डिफॉल्ट ट्रे पे डिफॉल्ट ट्रे में ये सारी चीजें ऑन है ऑलरेडी टैग्स देखिए यहां ऑन है सो लेट्स फाइन टैक्स हमें ये मिल गया टैग्स इसमें ये जो प्लस सिंबल है इस पर क्लिक करेंगे हम कोई नाम भी दे सकते हैं कोई भी नाम दे सकते हैं रिलेवेंट नाम दीजिए डोज विंडोज पार्टीशन पैनल फॉल्स सीलिंग व्हाटएवर यू हैव मैं अभी ऐसे ही इसको फास्ट करने के लिए न्यू कर दिया मैंने उसके बाद मैं क्या करूंगा ये सिलेक्शन टूल है इसमें आने के बाद यहां जाइए राइट बटन कीजिए राइट बटन करने के बाद यहां पे भी टैग दिख रहा है इसको ऑन कीजिए तो ये हमारा टैग ओपन हो जाएगा ये वाला टैग और ये वाला टैग रिलेटेड हैं लेकिन अलग अलग चीजें हैं क्या है अलग अलग चीजें हैं लेकिन रिलेटेड भी है वो कैसे टैग्स और लेयर्स क्रिएट यहां करते हैं ट्रांसफर ऑफ द ज्योमेट्री इज डन थ्रू दिस वो कैसे अभी दिखाता हूं इसको लिया मैंने और इसको मैंने रख दिया इस वाले इसको सेलेक्ट किया मैंने और इसको मैंने प्लेस कर दिया टैग वन में इसको लिया मैंने और इसको प्लेस कर दिया टैग टू में इसको लिया मैंने और प्लेस कर दिया टैग थ्री में अब तो यहां देखिए ये यह यहां से स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होता है लुक एट इट मैं इसको ऑफ करता हूं तो क्या कहता है यू कैन नॉट हाइड द करेंट टैग मतलब जो करेंट टैग होता है उसको हम हाइड नहीं कर सकते इससे पता चलता है कि ये करेंट है यहाँ एक पेंसिल बना हुआ है सो so, हाइट मुझे वो करना है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट है इसको देखिए हाइट किया कौन सा हाइड हुआ कौन सा सिलेंडर हाइड हुआ टैग वन में हमने कुछ डाला था देखिए टैग वन में ये था ये हाइड हो रहा है टैग टू में ये था ये हाइट हो रहा है टैग थ्री में क्या था ये था ये हाइट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट माई डिजाइन वर्क ऑन दिस सिलेंडर ओनली तो मैं इन सबको रिमेनिंग को ऑफ कर दूंगा क्यों करूंगा ऑफ सो दैट फाइल बिकम्स स्मॉल लाइटर नहीं तो फाइल बहुत हैवी हो जाएगी आप इस सिचुएशन को रिलेट कीजिए अपने प्रोजेक्ट से ये तो मैंने एग्जांपल दिए बहुत ही स्मॉल ज्योमेट्रीज को लेकर यहां तो फाइल हैवी नहीं होता लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स में जब आप प्लांट्स लगाएंगे कर्विलिनियर ज्योमेट्री जैसे कि सोफा वगैरह लगाएंगे जहां पे मेसेज बहुत ज्यादा हैं मतलब फेसेस बहुत ज्यादा हैं वहां पे आपका सिस्टम हैंग होने लगे देन यू हैव टू अप्रोच दिस टैग हियर एंड दिस टैग विच कम्स फ्रॉम हियर दिस वन होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट बेटर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो